हैदराबाद के विधायक और हिंदूवादी नेता टाइगर राजा सिंह ने महाकाल दर्शन कर योगी आदित्यनाथ के चुनाव में विजय होने की प्रार्थना की है। हैदराबाद के गोश महल के विधायक टाइगर राजा सिंह ने गुरुवार को सुबह उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने महाकाल मंदिर के गर्भगृह में पंडित पुजारियों के सानिध्य में 20 मिनट तक पूजन एवं आरती की, जिसके बाद सिद्धि विनायक गणेश एवं साक्षी गोपाल के दर्शन किए। सिंह के साथ पूर्व पार्षद गब्बर भाटी और बुद्धि विलास उपाध्याय सहित बीजेपी के नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। महाकाल मंदिर दर्शन के बाद वह आगरमालवा के बंगला मुखी माता मंदिर दर्शन करने गए एवं पूजन किया। टाइगर राजा सिंह ने बताया कि उन्होंने वहां महाकाल से 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत एवं योगी आदित्यनाथ के विजय होने की प्रार्थना की है। साथ ही कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद में कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए फैसले का स्वागत किया है। उज्जैन महाकाल के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हमारा एक ही एक लक्ष्य है, उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार बाबा जी योगी जी की सरकार बने। आज हम देख रहे हैं कि दुश्मन कोई बाहर वाला नहीं, हमारे घर का ही है, और योगी जी मुख्यमंत्री ना बने, कुछ हमारे लोग, कुछ सेकुलर लोग और गौ मांस खाने वाले कुछ हरामी लोगों का एक षड्यंत्र चल रहा है कि योगी जी फिर से मुख्यमंत्री ना बने। तो आज महाकाल जी के दर्शन अभिषेक करें कि योगी जी को आशीर्वाद दें और फिर से एक बार योगी जी मुख्यमंत्री बने, और यहाँ से बगलामुखी माता जी के पास भी हवन पूजा प्रोग्राम का भी आयोजन किया गया है। वहाँ पर भी हमारी भगवान से एक ही एक प्रार्थना रहेगी कि फिर से एक बार योगी जी मुख्यमंत्री बने, क्योंकि योगी जी केवल एक मुख्यमंत्री नहीं, हिंदुओं की एक आशा है।